हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट की। होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं जी। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है निफ्टी 50, जिस पॉइंट पर आके मार्केट क्लोज हुई थी कल 16952 पे, आज जो ओपन हुई है 16977 पे और जो क्लोज हुई है 17081 पे। कि आज काफ़ी चोट खाने के बाद निफ्टी फिर से अपने पॉजिटिव साइन पे बढ़ चली है। लगभग 125 पॉइंट से भी ज़्यादा आज मार्केट ने करवट बदली है, जो कि अच्छा साइन है। अगर रेशियो की बात करें तो 0.76% आज मार्केट निफ्टी का बढ़ा है, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन है मार्केट के लिए। वहीं अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो जिस पॉइंट पर आके मार्केट क्लोज हुआ था 57614 पे, आज जो ओपन हुआ है 57803 पर और जो क्लोज हुआ है 57960 पे। लगभग 350 पॉइंट मार्केट आज बढ़ा है। रेशो की बात करें तो 0.60% मार्केट ग्रोथ हुई है। और आज लगभग अगर निफ्टी की बात करें तो 17000 का रिकॉर्ड तोड़ के फिर से बढ़ी है, 17000 के में एंट्री की है। ठीक वैसे ही सेंसेक्स कुछ पॉइंटों से 58000 क्रॉस होते होते रह गया, लगभग 40 पॉइंट अगर देखा जाए तो ये भी नज़दीक है 58000 की। तो ये आज काफ़ी बढ़त हुई है कि निफ्टी अगर 125 पॉइंट तो सेंसेक्स 350 पॉइंट के समथिंग आज बढ़ा है। वहीं अगर हम FII की बात करें तो आज इन्होंने जो परचेज की है वो 9097 करोड़ की है और जो सेल की है वो 7852 करोड़ की है। जो नेट मार्जिन वो पॉजिटिव निकला है, ज़्यादा खरीदारी की है तो 1245 करोड़ की FII ने ज़्यादा खरीदारी की है। DII की बात करें तो आज इन्होंने जो परचेज की हैं 10196 करोड़ की, जो कि सेल की है 9373 करोड़ की। जो नेट मार्जिन निकला है वो 823 करोड़ का निकला है कि RDII ने भी माल खरीदा है 823 करोड़ का ज़्यादा। तो आज मार्केट ने भी अच्छी पोजीशन रखी और जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी अपने लेवल पे अच्छी आज खरीदारी की। तो दोनों खुश थे, दोनों आज ग्रीन सिग्नल पे थे चारों के चारों। तो ये थी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट कुछ। अब मार्केट की ओर चलते हैं। पेट्रोल का भाव है 98 पे प्रति लीटर, वहीं डीजल का भाव है 91 पे प्रति लीटर। गोल्ड अगर देखा जाए तो 98,200 प्रति 10 ग्राम की, सिल्वर जबकि 68,200 प्रति केजी के हिसाब से। LPG की बात करें तो 1 मार्च से बढ़ गई है, 1132 प्रति सिलेंडर हो चुका है। डॉलर की बात करें तो $1.82 तक पहुंच गया है। तो ये थे कुछ मार्केट और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट। होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप भी चाहते हो कुछ इस तरह के टॉपिक और ऐड किया जाए तो आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।